आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, समलैंगिक विवाह पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम फैसला आज आएगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच फैसला सुनाएगी इस पर। चीफ जस्टिस की अगुवाई में संवैधानिक पीठ में सुनवाई हुई थी। 11 मई को सुनवाई पूरी कर ली गई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल से शुरू हुई थी मामले पर सुनवाई, मई के महीने में सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस पर फैसला आएगा, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिलती है या फिर नहीं, आज ये साफ हो जाएगा। 2018 में भी कोर्ट का बड़ा फैसला इस पर आया था। सजा के दायरे से इसे बाहर किया गया था लेकिन शादी की अनुमति नहीं मिली थी। लंबी बहस इस पर हुई, केंद्र सरकार की तरफ से भी अलग अलग दलीलें दी गईं और लंबी चर्चा के बाद, लंबी चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट का फैसला इस पर आ सकता है। इस पर मेरे साथ ज्यादा डिटेल्स के लिए नवीन निशांत जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन निशांत, आज बहुत बड़ा दिन है LGBT समुदाय के लिए, क्या वो उम्मीद कर रहे हैं, कितने बजे कोर्ट में फैसला आ सकता है इस पर? बिल्कुल, देखिए अंजलि, बता दें कि आज सेम सेक्स मैरिज यानी जो समलैंगिक विवाह होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसका फैसला आने वाला है, क्योंकि मई के महीने में इस पर सुनवाई पूरी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज सुबह 10:30 बजे के करीब जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो इस पर फैसला देने वाली है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इसका विरोध किया गया था और कहा गया था कि इसके अनुमति मिलने से कहीं ना कहीं जो आधुनिक संस्कृति होती है, जो पाश्चात्य संस्कृति होती है, उसका असर देखने को मिलेगा और ये एलीट क्लास के जो लोग हैं उनके द्वारा याचिकाएँ दाखिल की गई हैं। अब तक इस पूरे मामले में कुल 18 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और सभी याचिकाओं को क्लब करके एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे जो बहस है वो सुनी थी और उसके बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था। और आज सुबह 10:30 बजे जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुनाएगी और ये पता लग सकेगा कि क्या जो सेम सेक्स मैरिज है वो उसे कानूनी अमलीजामा मिलता है या फिर जो LGBT समुदाय के लोग होते हैं उन्हें और इंतजार करना पड़ता होगा, क्योंकि जब जो LGBT समुदाय है उन्हें जब मान्यता मिली थी उसके बाद से ही जो उनकी शादी की जो प्रोसेस होती है उसे लेकर लगातार जो LGBT समुदाय के लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। क्योंकि अभी के समय बात करें तो जो एडॉप्शन होता है उसमें कई तरह की बंदिशें होती हैं। अभी तक जो एडॉप्शन होता है वो या तो सिंगल मदर, सिंगल फादर या फिर मैरिड कपल होते हैं वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक LGBT जो समुदाय है उनके लिए एडॉप्शन की भी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो वो इसे कानूनी प्रक्रिया देना चाहते हैं ताकि वो भी बच्चे गोद ले सकें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कुल 18 याचिकाएं दाखिल हुई थी और उन सभी याचिकाओं को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की थी और इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो इस पर फैसला सुनाने वाली है सुबह 10:30 बजे। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर दलीलें पूरी हो चुकी हैं, सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज सीधे कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा जो कि मई के महीने में कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। तो क्या समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी या फिर नहीं, ये देखना होगा क्योंकि कोर्ट का बड़ा फैसला आज उस पर आने वाला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से भी नवीन कई सारी दलीलें दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। ये कहा गया था कि ये सिर्फ एलीट क्लास से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि देश की पूरी आबादी से जुड़ा मामला, 140 करोड़ देश की आबादी और उन सभी लोगों से जुड़ा ये मामला है। अलग अलग राज्यों से भी विचार विमर्श की बातें सामने आई थी। ऐसे में क्या माना जाए, कितना बड़ा असर इस फैसले का कोर्ट का आज पड़ सकता है लोगों पर? देखिए, अगर कोर्ट का फैसला LGBT समुदाय के पक्ष में आता है तो ये उनकी एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि लंबे समय से वो मांग कर रहे थे कि उन्हें भले ही मान्यता मिल गई हो लेकिन अभी भी उनके सामने कई तरह की दिक्कतें हैं। अगर फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आता है, क्योंकि केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है, कई राज्यों से भी इस मसले पर सलाह ली गई है, और अगर फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आता है तो निश्चित रूप से जो LGBT समुदाय हैं उनके लिए निराशा हो सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें मान्यता भले ही मिल चुकी हो लेकिन अभी भी उनके सामने कई तरह की दिक्कत है, जो कानूनी अड़चन है
वो उनके सामने आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार की ये साफ दलील थी कि एलीट क्लास के लोग हैं, ये उनकी याचिकाएं हैं, ये उनकी सोच है और इससे देश की संस्कृति पर असर पड़ सकता है। जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनकी भी जो राय है वो इस पूरे मसले पर अलग अलग होती नज़र आ रही है। जहां तमाम धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया है, तो वहीं कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो LGBTQ के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो इसके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। तो पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा इस पूरे मसले पर क्या देखिए, पांच जजों की बड़ी बेंच आज दिया जाता है। बड़ी बेंच ने, दो तीन नहीं बल्कि पांच जजों की बड़ी बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और आज फैसला आने वाला है। आज का दिन बहुत बड़ा है LGBT समुदाय के लिए। देखना होगा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का उनके पक्ष में होता है या फिर विरोध में जाता है। नवीन, आपका इस पर शुक्रिया जानकारी देने के लिए।